हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से बहुत बड़ी वैकेंसी आई है। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को पूरी जानकारी हम देंगे और बताएंगे कि इसमें इसका सिलेबस सब कुछ इसमें जानकारी देंगे। दोस्त, अगर वीडियो आप सभी को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। दोस्त, आप सब लोग सहयोग करें। इसका पद कोड जो है, तो दोस्तों इसमें पदों की संख्या जो है 826 है और पोस्ट का नाम जो है तकनीशियन विद्युत विभाग TG2। इसको हम लोग बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे दोस्त, काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे। तो अनारक्षित जो वर्ग के हैं 357 आया और पिछड़ा वर्ग के लिए 241, अनुसूचित जाति के लिए 187, अनुसूचित जनजाति के लिए 17, आर्थिक रूप कमजोर वर्ग के लिए 89 है। तो दोस्त, हम बता दे रहे हैं इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। एग्जाम पैटर्न इसका दोस्त जो होगा वो ऑनलाइन मोड पर होगा, ऑनलाइन मोड पर एग्जाम होगा। और हाँ दोस्त, इसमें एक देखने को मिल रहा है कि इसका नामलाइजेशन में सर पहले ही लिख दे दिया है। तो दोस्त, इसका जो होगा नामलाइजेशन भी होगा इस एग्ज़ाम में। तो दोस्त, इसका अभी हम वेतन आप सभी को वेतन बता दे रहे हैं। इसका वेतन सातवें आयोग के अंतर्गत जो है मैट्रिक लेवल 4 के तहत मिलेगा। तो दोस्त, इसका 27,200 न्यूनतम वेतन बन के आएगा। और इसका एलिजिबल कैटेगरी जो है, इसका योग्यता आप सभी को बता दे रहे हैं दोस्त। योग्यता इसका माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल एवं समकक्ष परीक्षा विज्ञान सब विज्ञान एवं गणित विषय में उत्तीर्ण के साथ नियमित छात्र के रूप में छात्रों के निम्नलिखित ट्रेडों में, और ट्रेड जो होगा आपका वो ट्रेड बता दे रहे हैं। इसमें से 3 ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल कौशल विकास के अंतर्गत वितरण है। तो NCVT और SCVT दोनों में से कोई एक होना चाहिए। अभ्यर्थी के सहाय अर्थ स्पष्टीकरण, तो दोस्त इसमें से जो आपको एज कैटेगरी बता दे रहे हैं, एज में कितना आप लोगों को प्रायिकता दी गई है, 1/1/2022 से न्यूनतम 18 वर्ष से 40 वर्ष आयु में अनुमन्य छूट है। तो अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग, इन स्वतंत्रता संग्राम, इन सभी के लिए जो छूट दिया गया है दोस्त, 5 वर्ष दिया गया है, 5 वर्ष इन सभी को छूट दिया गया है आयु में। तो दोस्त, इसमें भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने सेना में 5 वर्ष से, उनके लिए अलग से दिया गया। अप्रेंटिस एक इसमें अलग से जुड़ा हुआ है दोस्त, जिसमें अप्रेंटिसशिप बच्चे होते हैं उन्हें 161 के अंतर्गत जो अप्रेंटिसशिप किए रहते हैं उनके लिए अलग से मेरिट बनेगी दोस्त। उसमें अलग सा एग्ज़ाम उन लोग अपने हिसाब से कराएंगे, इसका अलग से क्राइटेरिया जो होगा। तो दोस्त, आपको हम बता दे रहे हैं ऑनलाइन फीस कितना लगेगा आप सभी को। तो अनुसूचित जनजाति और जनजाति श्रेणी के लिए जो है 826 और अन्य समय श्रेणी OBC और जनरल के लिए 1180 रुपये लगेगा दोस्त। तो ये जैसा कि आप देखते हैं उत्तर प्रदेश विद्युत विभाग जो पावर कॉर्पोरेशन का, इनका जो फीस का वो रहता है, फीस ज़्यादा ही रहता है हर एक फॉर्म में, उनका यही देखने को मिलता है। तो दोस्त, इनसे एक ये निवेदन है कि अपने फीस में थोड़ा कम करेंगे तो और भी बच्चे इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्त, इसमें अन्य जानकारी आपको दिया गया है। तो दोस्त, इसमें जो सिलेबस है, सिलेबस के हिसाब से देखते हैं दोस्तों। तो हाँ, तो इसमें सिलेबस में आ जाते हैं दोस्तों। सिलेबस में जो है तो कंप्यूटर ज्ञान, तो CCC जो होना चाहिए दोस्त। CCC के एग्ज़ाम का फर्स्ट पेपर जो रहेगा वो CCC के कंप्यूटर आधारित ज्ञान पर रहेगा, और इसमें माइनस मार्किंग 1/4 होगा, और इसमें 20 नंबर पास मार्किंग है दोस्त, तभी आपका अगला कापी चेक होगा। तो ये 50 अंक का इसमें कंप्यूटर ज्ञान का प्रथम पेपर होगा, जिसमें से 20 अंक आपको लाने अनिवार्य हैं, तभी आपको द्वितीय भाग का कापी चेक होगा दोस्त। दूसरे द्वितीय भाग में जो एग्ज़ाम होगा दोस्त, उसका भी 1 अंक का होगा और 1/4 का माइनस मार्किंग है। उसका सिलेबस जो है दोस्त, उसका सिलेबस सामान्य अध्ययन तार्किक, ये दिया है सामान्य अध्ययन तार्किक ज्ञान 20 प्रश्न है, 20 अंक का होगा। और हिंदी जो हाई स्कूल सामान्य स्तर पर, मतलब मामूली का हिंदी पूछेगा दोस्त, तो UP SSC का हिंदी ऐसा ही रहेगा, 15 क्वेश्चन इसका रहेगा और अधिकतम 15 अंक होगा। और जो अंग्रेजी होगा वो हाई स्कूल सामान्य स्तर पर होगा, 15 क्वेश्चन का। और तकनीकी विषय का ज्ञान, मतलब जो आपका ट्रेड रहेगा मेन, इसमें आपका ट्रेड है, ट्रेड में जिसका, ट्रेड में जो अपना कमांड बना लेगा वो, उसका सिलेक्शन 100% श्योर हो जाएगा दोस्तों। आपको ट्रेड पे
ज़्यादा फोकस करना है। टेट में 150 क्वेश्चन 150 अंक आएगा, तो टोटल कुल 200 अंक का है। तो इसका जो कहने का तो दिया है कि चयन द्वितीय भाग के लिए 33.5% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होता है। तो ये एक कैटेगरी दे दिए हैं लोग अपने हिसाब से बना करके, लेकिन वो तो मेरिट के ऊपर ही होगा दोस्त। तो ये 200 अंक का होगा, और इसमें सबसे बड़ी बात तो नॉर्मलाइजेशन होगा। और दोस्त एग्जाम सिटी जो है वो देगा, एग्जाम सिटी परीक्षा का स्थान जो है दोस्त वो लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, आगरा, कानपुर शहरों में अभ्यर्थियों के आधार पर दिया है। तो और इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। तो दोस्त ये एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी है, आप सभी लोग इसको देख सकते हैं। ये वैकेंसी काफ़ी दिनों से बच्चे इंतज़ार भी कर रहे थे। तो इसमें दोस्त सभी कैटेगरी आपको दिखा दिया गया है। और इसका ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करने की तिथि जो है, इसका पूर्ण करने की जो तिथि है वो 27/9/2022 से 19/10/2022 तक है। तो दोस्त इसका जो फीस का आखिरी डेट है वो 2 दिन अधिक दिया गया, 27/9/2022 से 21/10/2022 तक दिया गया है। तो दोस्त और इसका परीक्षा संभावित अवधि, इसमें एक बहुत ही बड़ी अपडेट दे रखा है दोस्तों। जैसे कि पहले इससे पिछला एग्जाम हुआ था उसके आधार पर हम बताएंगे बाद में, अगला वीडियो लेकर आएंगे जब। इसका जो परीक्षा संभावित अवधि दिया गया है दोस्त नवंबर में दिया गया है, नवंबर 2022 में चतुर्थ सप्ताह, मतलब आप समझ सकते हैं कि दिसंबर में आपका एग्ज़ाम देखने को मिलेगा दोस्त। इसके लिए आप लोगों को तैयारी करने का अच्छा मौका भी है, आप लोग इसके लिए पढ़ भी सकते हैं दोस्तों, और काफ़ी अच्छी वैकेंसी भी है। दोस्त हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे नॉर्मलाइजेशन का, इसका जो कैटेगरिया रहता है ये तो बोर्ड वाले भी नहीं समझ पाते हैं, लेकिन इसका कुछ अनुमानित आपको बता दिया जाएगा कि कैसे इसका नॉर्मलाइजेशन होता है। तो ये नॉर्मलाइजेशन आधा दिया हुआ है, इनसे RTI मांग के इसका जवाब मांगा जाएगा। तो दोस्त इसके लिए चलिए इसी वीडियो में समाप्त करते हैं, धन्यवाद।